प्रसव पीड़िता को 45 लाख मुआवजा देने का आदेश। इलाज के दौरान काट दिया था आंख, ऐसे बची थी जान। प्रसव पीड़ा के इलाज में लापरवाही बरतना एक चिकित्सा को भारी पड़ गया है। जिला भोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने पीड़िता को 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने चिकित्सक को वाद प्रस्तुत करने की तिथि से क्षतिपूर्ति राशि पर 12% ब्याज की दर से पीड़िता को भुगतान करने के साथ ही 10,000 वाद खर्च करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के रामपुर निवासी क्षमा पांडे और उसके पति कुलदीप पांडे समेत अन्य ने 13 फरवरी 2023 को डॉक्टर अभय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल गोपीगंज संचालित गीतू सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि उनके प्रसव सर्जरी में अस्पताल की ओर से लापरवाही बरती गई। पीड़िता के अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता गर्भवती क्षमा पांडे 17 से 18 फरवरी की रात प्रसव पीड़ा होने पर गोपीगंज के डॉक्टर अभय सिंह मेमोरियल अस्पताल पहुंचे थे। यहां नॉर्मल डिलीवरी की वजह ऑपरेशन की सलाह दी गई और पीड़िता के परिजनों को 30,000 ऑपरेशन के लिए 10,000 की दवा जिसका कोई रसीद भी नहीं दिया गया। लापरवाह चिकित्सकों ने आयोग को नहीं दिया कोई जवाब। चिकित्सक गीतू सिंह ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए गर्भवती को आंतों को काट दिया जिसके पूरे शरीर में संक्रमण हो गया और रक्त स्राव होने लगा, जिसके बाद वह पीड़िता से रेफर कर दिया। उसके बाद वे कई नामचीन अस्पतालों में पहुंचे। अंदर बनारस के निजी अस्पताल में लंबे खर्च के बाद किसी तरह उनकी जान बच गई। इसके बाद पीड़िता की ओर से चिकित्सक के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद न्यायालय ने आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। भोक्ता आयोग में शिकायत के बाद चिकित्सक व अस्पताल को नोटिस जारी की, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर 1/25 सुनवाई के बाद जिला भोक्ता आयोग ने न्यायाधीश संजीव कुमार डे सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने पीड़िता को 45 लाख क्षतिपूर्ति देने के साथ विवाद दाखिल करने की तिथि के निर्णय के तिथि तक क्षतिपूर्ति राशि पर 12% ब्याज की दर से देने का निर्देश दिया है। वहीं बाद खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का भी कहा गया। आयोग ने स्पष्ट कहा कि यदि 2 माह के अंदर समस्त धनराशि ब्याज सहित भुगतान नहीं की जाता है तो समस्त धनराशि पर निर्णय की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18% ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। आपको क्या लगता है अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।